कृष्णा जय श्री राम। सावन का अंतिम सोमवार प्रदोष के साथ में एक रेखाम आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सावन के अंतिम सोमवार के बारे में। ये त्रयोदशी के दिन प्रदोष वेला के साथ में सोमवार आ रहा है और सावन का अंतिम सोमवार। आप इस सोमवार को मेरे बताए गए इस प्रकार कार्य करें, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। अंतिम सावन सोमवार प्रदोष के दिन होने के कारण भगवान शंकर और गौरी का ध्यान करें, उनके सामने बैठ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान शंकर, आप त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले और करोड़ों चंद्रमा के क्रांतिमान भूषण धारण करने वाले, हे भगवान शंकर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, अपनी गोत्र और नाम बोल करके अपनी मनोकामना बोल दें कि हे भगवान शंकर, मैं आज इस प्रदोष सोमवार पर आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ। फिर हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी, गौरी, कार्तिकेय, नंदीश्वर और भगवान शिव का मन में ध्यान करें कि हे भगवान शंकर, आप संपूर्ण पापों को नाश करने वाले, शोक रूपी अग्नि में दग्ध, संसार के भय से भयभीत और अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त इस अनाथ प्राणी की आप रक्षा कीजिए। हे स्वामी, आप पार्वती सहित पधार करके मेरी इस पूजा अर्चना को ग्रहण कीजिए। ऐसा करने के बाद में आप ओम गौरी सहित शिवाय नमः इस प्रकार इस मंत्र से बोल करके भगवान शंकर का आह्वान करें। फिर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में यथा उपचार सामग्री, जो भी आपके पास सामग्री हो उपलब्ध, उससे आप भगवान शंकर की पूजा करें। पूजा करने के बाद में आप एक बिल्व पत्र, एक अर्घ पुष्प और एक धतूरा जरूर चढ़ाएं। इन चीजों को चढ़ाने के बाद में आप भगवान शंकर के धूप और दीप, अगरबत्ती और दीपक का ध्यान करके और उसके बाद यथाशक्ति खीर या गुड़ का नैवेद्य भोग लगाएं। तामुल पेटी का तामुल पत्र हो तो चढ़ाएं, नहीं तो यथाशक्ति बच्चियां चढ़ा करके और फिर हाथ जोड़ करके भगवान शंकर का मन में ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय इस प्रकार बोल करके भगवान शंकर का ध्यान करके फिर मन को एकाग्र चित्त करके और मन में जो भी मनोकामना है उस कामना को आप बोल करके एक चूटी हल्दी लेकर के भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर उसको चढ़ा देवे और भगवान से अपनी मनोकामना सुना देवे। कहते हैं कि प्रदोष सोमवार के दिन आपको ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सोमवार प्रदोष के साथ में आने से आपको अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए प्रदोष वेला सायंकाल सूर्य अस्त के समय और रात्रि आने से पहले इस मध्याह्न समय में भगवान शंकर का यह कार्य चुपचाप कर दें और आप किसी को नहीं बताएं, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। उसके बाद में आप 108 ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और भगवान को प्रणाम करें, आरती करें। आरती के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखें और मेरे सभी मित्रों, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धर्म प्रचारक।